ब्रांडेड कंपनी की असली घड़िया बताकर नकली घड़िया बेचने वाले दो दुकानदारों पर पुलिस ने छापा मारकर करीबन 4,27,500 रुपए का माल जब्त किया है। इस मामले में तहसील पुलिस ने दो दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। दोनों ब्रांडेड कंपनी का बताकर नकली घड़िया बेच रहे थे। ब्रांडेड कंपनी के लीगल एडवाइजर गौरव श्याम नारायण तिवारी की शिकायत पर तहसील पुलिस ने घड़ियों की दो दुकानों पर छापा मारकर करीब 4,27,500 रुपए का माल जब्त किया है। आरोपी गौरव मकवानी, उम्र 31 वर्ष, गांधी गेट, शिरके रोड, जोग गली महल, और प्रदीप अरोरा, उम्र 47 वर्ष, न्यू नंदनवन लेआउट निवासी है। पुलिस के अनुसार गौरव तिवारी को खबर मिली थी कि नागपुर सिटी पोस्ट ऑफिस के सामने बिल्डिंग में दुकान नंबर 1 में मकवानी वॉच कंपनी का मालिक गौरव मकवाने दुकान में उनकी ब्रांडेड कंपनी की असली घड़िया बताकर नकली माल बेच रहा है। इसी तरह इतवारी में तांगा स्टैंड के पास दुकान नंबर 2 में अरोरा वॉच मटेरियल हाउस का मालिक प्रदीप अरोरा भी दुकान से उनकी ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली माल बेच रहा है। गौरव की शिकायत पर तहसील पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर शनिवार को दोनों ही दुकानों पर छापा मारा। संजय की दुकान से विविध प्रकार की 574 नग घड़िया व अन्य मटेरियल सहित 2,05,850 रुपए और प्रदीप की दुकान से विविध कंपनियों की 518 नग घड़िया व मटेरियल सहित करीब 2,21,400 रुपए का माल जब्त किया गया है। दोनों दुकानों से कुल 1,092 नग घड़िया सहित 4,27,500 रुपए का माल जब्त किया गया है। टाइटन कंपनी आणि एसएनजी सॉलिसिटर लीगल फर्म यांचा टाइप है। जे कोणी टाइटनचे डुप्लिकेट पार्ट्स किंवा वस्तू विकतील त्यांच्यावर एसएनजी सॉलिसिटर लीगल फर्मकडून कारवाई करण्यात येते। असेच लीगल फर्मचे प्रतिनिधी गौरव तिवारी हे काल पोलीस स्टेशन आले। त्यांनी सांगितलं इतवारी आणि टांगा स्टँड इथे दोन ठिकाणी आमच्या कंपनीचे बोगस प्रॉडक्ट किंवा डुप्लिकेट प्रॉडक्ट विकले जातात, त्यामुळे तुम्ही आमच्यासोबत रेडला या। सदर वेळेस तहसील पोलीस स्टेशनचा जी बी स्टाफ त्यांच्यासोबत पाठवला असतात, मकवाने वॉच कंपनी, मकवाने वॉच हाऊस आणि अरोरा वॉच पॅलेस या दोघं ठिकाणी टायटनचे डुप्लिकेट्स पार्ट्स वस्तू मिळून आल्या। दोघं ठिकाणून जवळपास 4,27,000 मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। आरोपी गौरव मकवाना आणि आरोपी प्रदीप राजकुमार अरोरा या दोघांना आरोपी करण्यात आलेले, त्यांच्याविरुद्ध कॉपीराईट ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आणि तहसील पोलिसांनी जवळपास 4,27,000 रुपयाचा माल जप्त केलेला आहे। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी की रिपोर्ट।